सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि लेटेस्ट खबरों के वीडियो आपको मिले सबसे पहले। नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली के जामिया में भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, पर रविवार 15 दिसंबर को जो हुआ उसमें कई घायल हुए तो कई की जान भी चली गई। मीडिया के दौरान एक स्टूडेंट से बातचीत की गई, इसी दौरान एक स्टूडेंट ऐसी मिली जिसकी बात अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लड़की का नाम है अनुज्ञा, उसके दोस्तों के साथ जो हुआ उसमें बेहद दुखी है, रो रोकर उसका बुरा हाल है। उसका कहना है कि स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, फिर भी उन्हें मारा पीटा गया। उनका कहना है कि एजुकेशन घर पे बैठने के लिए को नहीं दी जाती, इसीलिए दी जाती है। अगर किसी के साथ वालों का साथ गलत हो रहा है तो उसका साथ दिया जाए, पर यहाँ तो लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर आकर तोड़फोड़ की। अनुज्ञा ने बताया कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को सबसे सेफेस्ट पैलेस मानते थे, पर यहाँ आज बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आकर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद वो पूरे देश में खुद को सेफ फील नहीं कर रही है। उसने बताया कि बच्चे जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कई दोस्तों ने जान बचा ली लेकिन कई चोट आई। उसका सवाल है कि क्या यह डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो मुस्लिम भी नहीं है पर वो पहले दिन से इस प्रोटेस्ट कर रही है। अनुज्ञा ने कहा कि कहां कहां क्या हो रहा है आप खुद उसका वीडियो देख सकते हैं, वीडियो हम नहीं बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ ये जानकारी थी, और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर।